हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक क्विल इमोजी बुकमार्क कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए ऑरेंज, पिंक, ब्लू, येलो 3 mm क्विलिंग स्ट्रिप, सुपर क्विलर, फेविकोल और ये क्विलिंग टूल। तो सबसे पहले हम लोग ये क्विलिंग सुपर क्विलर लेंगे और ये येलो क्विलिंग स्ट्रिप लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 क्विलिंग स्ट्रिप ली हुई है। यहाँ पे इसके पीछे ग्लू लगा रहता है, जैसे कि आप इसको निकालेंगे तो ये चिपक जाएगा कुछ इस तरह। सबसे पहले हम लोग ये वाला क्विलिंग स्ट्रिप लेंगे और फिर हम लोग इसको इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम लोग इसको धीमे धीमे करके रोल कर लेंगे कुछ इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको बन गया एक रोल। अब हम लोग ऐसे ही करके सारे रोल को इसमें प्लस कर देंगे इस वाले रोल में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर और कूलिंग स्ट्रिप येलो वाली भर दी है। अब हम लोग ये पिंक कूलिंग स्ट्रिप लेंगे, ये वाली, और फिर हम लोग इसके ऊपर धीमे धीमे करके इसके ऊपर रोल कर देंगे। इस तरह अब हम लोग इस वाली पिंक वाली कूलिंग स्ट्रिप को हम लोग इसके ऊपर चिपका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपका पूरा तैयार हो चुका है इमोजी फेस का। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी ग्लू लेके डाल के हम लोग इसको पूरा फैला देंगे ग्लू को, जिससे कि ये कड़ा हो जाएगा और ये ऊपर नीचे होगा नहीं कुछ इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ये ऑरेंज कलर की कूलिंग स्ट्रिप लेंगे और फिर ये कूलिंग सुपर कूलर से हम लोग इसको कूल कर लेंगे और फिर इसके पीछे ये स्टिकर लगा रहेगा इस तरह का व्हाइट कलर का, और हम लोग इसको पील कर देंगे कुछ इस तरह। और जैसे ही ये पील हो जाएगा फिर हम उसको चिपका देंगे और फिर हम लोग ये जो ऊपर का साइड रहेगा हम लोग उसको थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे कि ये टीयर ड्रॉप शेप में बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये टीयर ड्रॉप शेप में बन चुका है। ऐसे करके हम लोग इन सब कूलिंग स्ट्रिप का भी टीयर ड्रॉप शेप बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ये पिंक कलर का कूलिंग स्ट्रिप लेंगे और इसको पिल करके हम लोग ये जो ऑरेंज वाला है कूलिंग स्ट्रिप हम लोग उसके ऊपर ऐसे धीमे धीमे करके हम लोग उसको राउंड उसको घुमा लेंगे टीयर ड्रॉप शेप में, जिससे कि ये डबल कलर बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा बनने लगेगा। ऐसे करके हम लोग उसको पूरा राउंड में घुमा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह बन जाएंगे आपके टीयर ड्रॉप शेप्स। ऐसे करके हम लोग और भी टीयर ड्रॉप शेप बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपके पूरे टीयर ड्रॉप शेप तैयार हो चुके हैं।
अब हम लोग इनको एक एक करके असेंबल कर लेंगे, पूरे फ्लावर बना देंगे इसके। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपका पूरा इमोजी फेस और ये फ्लावर तैयार हो चुका है। मैंने अभी जो इमोजी फेस पहले से बनाया हुआ था वो मैंने यहाँ चिपका दिया है, और ये फ्लावर मैंने इसको पूरा असेंबल कर दिया फ्लावर में कुछ इस तरह। अब हम लोग ये वाली टूथपिक लेंगे ब्लू कलर की, और हम लोग इसको बीच में रख के इसके किनारे पूरा ग्लू भर देंगे, पूरा ग्लू भर देंगे इसके किनारे हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसके किनारे ग्लू भर दिया है, और हम लोग ये टूथपिक इसके अंदर पूरा डाल देंगे, और फिर इसको सूखने के लिए पूरे एक दिन के लिए रखे रहेंगे जिससे कि ये सूख जाए। और ये सूखने के बाद कुछ इस तरह लगेगा, कुछ इस तरह ऐसे ही करके। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मैंने यहाँ पे पहले से दो और इमोजी फेस बना के रखे हुए हैं, हम लोग इनको इसमें असेंबल कर देंगे कुछ इस तरह, और इसको सूखने में पूरे एक दिन का तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि एक अभी तो सूख नहीं सकते क्योंकि मैंने इसके अंदर पूरा ग्लू भर दिया है, तो इसको पूरा दिन लगेगा सूखने में। देखिए फ्रेंड्स, ये गिर रहा है क्योंकि इसमें ग्लू अभी मैंने भरा हुआ है, तो इसलिए ये गिर जा रहा है, तो इसको सूखने के लिए एक दिन तो लगेगा ही। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये आपका इमोजी बुकमार्क तैयार हो चुका है। मैंने इसके तीन जो और बना लिए फ्लावर्स जिस तरह। अब हम लोग को ये अलग, जैसे मैंने इमोजी बनाया हुआ है ऐसे ही हम लोग को और पे भी इमोजी अलग अलग बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपके चारों इमोजी तैयार हो चुके हैं कुछ इस तरह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड चैनल एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।